खबर चुनार से। चुनार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी संख्या में कराया जा रहा है कोरोना थर्मल स्कैन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार पर डॉक्टर एस के वर्मा की देखरेख में उन तमाम लोगों की कोरोना थर्मल स्कैन से जांच किया जा रहा है जो कि दूसरे राज्य या अन्य जिले में फंसे हुए व्यक्ति अपने चुनार नगर या चुनार के आसपास के गाँव में किसी प्रकार अपने घर आए हैं। वे स्वयं ही कोरोना जांच कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार आकर अपनी जांच कराकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनमें कोरोना के लक्षण या नहीं। इसमें ज्यादातर लोग मुंबई, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान से आए हुए हैं। डॉक्टर द्वारा इनकी जांच करके होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया है क्योंकि इन सभी में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिला। जांच करने वाली टीम में मौजूद रहे डॉक्टर एस के वर्मा, कीर्ति शर्मा, निहारिका सिंह, कंचन देवी मौजूद रहे। चुनार से हमारे संवाददाता गौतम कुमार खरवार की रिपोर्ट। सर आपका नाम? डॉक्टर एस के वर्मा। सर आज लगभग कितना लोग को जांच हो चुका है जो बाहर से आए हुए हैं? आज लगभग अभी सुबह से लगातार जो हमारे पास बाहर से आए पेशेंट इस तरह के हैं जो लगभग 46 के अराउंड है, 46 के आसपास जी, और अभी भी लगातार वो आ रहे हैं जी। तो हम लोग लगातार करते जा रहे हैं और जैसे जैसे आते हैं वो करते जाएंगे। सर इनमें जो व्यक्ति जो आ रहे हैं जो बाहर से, इनको क्या हिदायत दिया जाता है? ये होम क्वारंटाइन में रखा रहे हैं या फिर जो सरकार द्वारा बनाया गया है? नहीं, इसमें तो पहले हम ये देखते हैं कि किस जगह से आया है ये जी पेशेंट या जो पर्सन है वो किस जगह से आया है, वो उसके अराउंड की ऐसे हिस्ट्री तो नहीं है, आसपास पॉजिटिविटी की हिस्ट्री है कि नहीं है, और ये सब देते हुए उसको मोस्टली अगर जब यहाँ स्क्रीनिंग करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए कोई लक्षण अगर जैसे बुखार की, खांसी की, सांस फूलने की और इस तरह से थकान, जो भी चीज़ें लक्षण हैं उस तरह से अगर कोई मिलता है तब हम उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर भेजते हैं, वरना उसको हम होम क्वारंटाइन के लिए ही सलाह देते हैं कि वो अपने घर में रहें, सब अपने घरों में सबसे दूरी बना के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रॉपर वे में हाइजीन मेंटेन करें, जैसे मास्क का यूज़ करें, हाथ बार बार समय समय पर निकाल के धोते रहें। बस यही सब हम लोग करते हैं। अगर बीच में भी एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कुछ समस्या हो महसूस होता है या कोई लक्षण ऐसी इस तरह की परेशानी महसूस होती है तो आप हमारे फैसिलिटी पर आइए, उसको हम पुनः चेक करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो हम उनको फर्दर के लिए एडवाइस करेंगे। ऐसा हो, ये क्वारंटाइन कितने दिन के लिए रखा गया है? क्वारंटाइन तो 21 डेज का ही अब नए में हम लोग कर रहे हैं जी जी, कम से कम 21 दिन जी। ठीक सर, धन्यवाद।